अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डीजा टॉक्स। PNSC पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की जानिब से न्यू जॉब अनाउंस कर दी गई हैं। इसके अंदर लेडीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं और जेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई का पूरा प्रोसेस बताऊंगी और जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके साथ इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी। ये इनकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन हैं आपके सामने, जो आप रीड कर लेंगे तो जॉब के मुतल्लिक डिटेल का इल्म आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेडीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं इस जॉब के अंदर और जेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट जॉब है, 40 साल से लेके 55 साल तक आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो बड़ी उम्र के लोग हैं ये उनके लिए बेहतरीन मौका है। जो कोई गवर्नमेंट की अच्छी जॉब ढूंढ रहे थे ये उनके लिए सुनहरी मौका है, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वन बाय वन हम जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपके साथ मैं इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी डिटेल से। जिस दिन ये जॉब अनाउंस की गई थी 26 फरवरी 2024 था, आज से एक दिन पहले ये जॉब अनाउंस की गई थी। जॉब टाइप इसके अंदर फुल है, ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन है, रीजन इसके अंदर पंजाब है। इस जॉब के अंदर अप्लाई करने के लिए आपके पास पंजाब का डोमिसल होना ज़रूरी है क्योंकि ये पंजाब की वैकेंसी है। सेक्टर इसके अंदर गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट की जॉब है। सिटी इसके अंदर लाहौर है, वैकेंसी इसके अंदर सिर्फ एक है। लेकिन आपने ये नहीं करना कि मैं इसके अंदर अप्लाई ना करूँ, एक सीट है। इसी तरह बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करते कि एक सीट है, पता नहीं हमारा नाम आए या ना आए, लोग अप्लाई ही नहीं करते। आपने इसके अंदर अप्लाई ज़रूर करना है। सैलरी पैकेज इसके अंदर 30,000 से लेके 2 लाख तक है। जो आपका स्केल होगा उसके मुताबिक आपकी सैलरी सेट की जाएगी। लास्ट डेट जो है वो इसकी 4 मार्च 2024 है। एड्रेस जो है हम इसका लास्ट पे डिस्कस करेंगे। अब नीचे चलते हैं। हमारे पास ये वो वैकेंसी है जो नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान की जानिब से अनाउंस की गई है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की ये सीट है जो अनाउंस की गई है, जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। अगर आपकी तालीम, आपका तजर्बा, आपकी डिग्री इस इश्तिहार के मुताबिक है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जेंडर इसके अंदर दोनों रिक्वायर्ड हैं, मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल। मर्द हजरात भी अप्लाई कर सकते हैं और ख़वातीन भी, दोनों के लिए ये डिपार्टमेंट है। स्किल इसके अंदर जो रिक्वायर्ड है वो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की है। एज लिमिट आपकी 40 साल से लेके 55 साल तक आप एलिजिबल हैं, इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो तालीम इनको रिक्वायर्ड है, एजुकेशन जो रिक्वायर्ड है वो ग्रेजुएशन है और मास्टर है। अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक डिग्री भी है, ग्रेजुएशन की बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं और सिर्फ मास्टर्स की बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इसके अंदर मिनिमम आपका कम से कम 8 साल का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस। अब नीचे एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट वो पोर्शन होता है जिसके अंदर आपकी तालीम, आपका स्केल और आपका एक्सपीरियंस और कौन से सब्जेक्ट में आपने कंप्लीट की हो अपनी डिग्री वो पता चल जाता है। मिनिमम बैचलर डिग्री एंड इक्विवेलेंट टू 16 इयर्स एजुकेशन। अगर कम से कम आपकी बैचलर्स है, बीए है तो भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास 16 साल की डिग्री होनी चाहिए। मास्टर्स की डिग्री आप इसके अंदर आपके पास होनी चाहिए। आपके पास आपकी जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो शिपिंग मैनेजमेंट का होना चाहिए, नेशनल साइंस का होना चाहिए, इंजीनियरिंग का होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर में आपने किया है या गवर्नमेंट सेक्टर में किया है तो भी आपका चल सकता है। बिजनेस में आपने कंप्लीट किया है, आपने एमए आपने एडमिनिस्ट्रेशन में की हुई है तो आप इसके अंदर ऑयल में की है, आपने गैस में किया हुआ है, लॉ में किया हुआ है, गैस सप्लाई चेन ऑयल में किया हुआ है, गैस में किया हुआ है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर मैंने आपको बताया पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर आपका एक्सपीरियंस किसी भी पब्लिक सेक्टर अदारे में है या प्राइवेट सेक्टर अदारे में है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जो है वो आपका मिनिमम जो है वो 8 साल का होना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा 15 साल है तो ये वेल एंड गुड है, आप फिर भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है वो आपकी मिनिमम 50 से लेके जो है 62 तक भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ये डिग्रियां हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप 62 तक भी अप्लाई कर सकते हैं।
अब नीचे इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो भी देख लेते हैं। जिस दिन ये जॉब अनाउंस की जाएगी उसके 15 दिन के अंदर ही आपने जॉब के अंदर अप्लाई कर लेना है। जो लोग किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं और ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस जो है वो कंपनी आपको पे नहीं करेगी, वो आपने खुद से पे करने हैं। लास्ट डेट से पहले आपने इस जॉब के अंदर अप्लाई करना है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर एन इंटरव्यू। जिन लोगों को वो मुंतखब करेंगे सिर्फ वही लोग इंटरव्यू के लिए आएंगे और टेस्ट के लिए। अब ऊपर चलते हैं तो मैं आपको अप्लाई का पूरा प्रोसेस बता देती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाई एंड मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यू मस्ट अप्लाई ऑनलाइन एट योर ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आप इसके अंदर दिलचस्पी रखते हैं, इस नौकरी के अंदर और अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.pnsc.com.pk, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर आपने इन्हें ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है, जब आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो इनका जॉब वाला पोर्शन खुल जाएगा। फिर आपने जिस जॉब के अंदर अप्लाई करना है आपने वो वाला पोर्शन ओपन कर लेना है और अपनी इन्फॉर्मेशन पुट कर देनी है, तो आपका ऑनलाइन वाला जो, फिर आपने उसको प्रोसीड कर देना है तो आपका ऑनलाइन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस इनकी देख लेते हैं। एप्लीकेंट रिसीव आफ्टर द लास्ट डेट विल नॉट बी कंसीडर, जो लास्ट डेट के बाद एप्लीकेशन भेजेंगे उसको कंसीडर नहीं की जाएगी। स्टे टच विद अस, कीप विजिटिंग ओवर वेबसाइट jobs.pk। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहिएगा तो जो कोई नई अपडेट्स होंगी उनके बारे में आपको पता चलता रहेगा। ये आपने जो इनको ऑनलाइन भी अप्लाई करना है और आपने इनको कोरियर भी करना है। अपनी जो है चीज़ें आपने ऑनलाइन जब अप्लाई कर लेना है तो आपके जो CV होगी उसके साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके, ये इनका यहाँ पर एड्रेस है 27 कॉलेज रोड ब्लॉक एच गुलबर्ग 2 लाहौर पंजाब 54660। ये इनका नंबर भी इन्होंने साथ दे दिया है, पोस्टल नंबर। आपने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स कोरियर भी कर सकते हैं आप, या ख़ुद भी जमा करवा सकते हैं। पहले आप इन्हें ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, देन आप इस एड्रेस पर अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे। जो आपने तालीम हासिल की है, जो आपका तजर्बा है, आपका डोमिसल होगा, आपकी फ़्रेश पिक्चर्स होंगी, इन सब को आपने कोरियर में डालकर साथ एप्लीकेशन लिखनी है। कौन सी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपने इस एड्रेस पर इसको कोरियर कर देना है। मेरा नाम डीजा है। मेरे चैनल पर मैं डेली बेसिस पर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जॉब अनाउंस करती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।